यू डोंट ट्राई दीज एंड सम अदर एक्सरसाइजेस व्हिच आई टोल्ड यू. डन बेटा. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन इन नंबर फाइव एक्सरसाइज डिटेल 5 फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज एंड ट्राई दिस. यस यस मैम. हैव यस यू मैम. डन. हैव यू ऑल यस डन. वन मोर थिंग इज यस. थिंक डिस्कस एंड राइट. हां थिंक डिस्कस एंड राइट. यस 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 गुड. सो हैव यू डन. यस और नो. अच्छा यू राइट इन चैट बॉक्स इफ यू हैव डन फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर टू थिंक डिस्कस एंड राइट नंबर थ्री ट्राई दिस. इफ यू हैव डन ऑल थ्री राइट वाई अदरवाइज राइट एन. लेट मी चेक वन बाय वन. आरुष यस. अनुमेघा यस. ओम ठीक है. सौम्या. योगिता. अच्छा योगिता. योगिता यस. लक्ष्य यस. आरुष मैम आई फॉरगॉट टू डू थिंक डिस्कशन राइट. नॉट डन बेटा. पंक्ति यू हैव नॉट डन. आदित्य शर्मा यस. मैम दिस थिंक डिस्कशन राइट इज नॉट डन अदरवाइज ट्राई दिस एंड एक्सरसाइज डन. सो व्हाई यू हैव नॉट डन थिंक डिस्कशन राइट. मैम आई फॉरगॉट टू डू दिस. ओके इट्स गुड दैट यू आर ऑनेस्ट बेटा बट यू शुड नॉट फॉरगेट बेटा. ठीक है भूलना नहीं है आपको बिल्कुल सीरियसली करना. अग्रिमा साई राम बेटा. साई राम. माई सम क्वेश्चंस वर लेफ्ट. सौम्या. अच्छा लक्ष्य शर्मा. मार्क्स. अच्छा मार्क्स की बड़ी चिंता है. ओनली 50% कॉपीज आर चेक बेटा. स्टिल 50% आर लेफ्ट. सो इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यूर मार्क्स. डोंट वरी. 50% आर चेक. यस बेटा. I have checked 15 copies. My total strength is 34. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That means almost 50% are left and 50% completed. So next class में मैं आपको दे दूँगी. Ma'am, किस किस की copy check हो गई? ये किसने पूछा? लक्ष्य ने पूछा होगा. नो मैम संदेश ने पूछा. हाँ संदेश आज तो पूरे पीरियड में चुप रहना. पहले तो तुम्हारी अभी चेक नहीं हुई. नहीं लक्ष्य की उसकी संदेश की हो गई. ठीक किया इसने. अच्छा किया. मैम कितने मार्क्स है? नहीं मालूम. अभी चुप बिल्कुल चुप रहना. बहुत बोलता है तो तुम्हारे मार्क्स में बता दूंगी. आज तो आज पूरे टाइम बिल्कुल ऑनेस्टली बिल्कुल चुपचाप ध्यान से सुनेगा. ठीक है लास्ट में बता दूंगी मैं तुम्हारे मार्क्स. ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. मैम. यस बेटा. मैम वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बारिश की वजह से इसलिए मैं रिजॉइन हुआ अभी. इट्स ओके. नो प्रॉब्लम बेटा. अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया. बस स्टार्ट करना है. डोंट वरी. कोई लॉस नहीं है. ओके इज स्क्रीन विजिबल बेटा? एनी वन ऑफ यू टेल. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके बेटा. ओके ठीक. सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज चलो ध्यान से देखना बेटा. एक्सरसाइज 5.1.
अच्छा आज आपको क्या करना है, एक चीज और सुन लो, आफ्टर कंप्लीटिंग ट्राई दिस एंड थिंक डिस्कस एंड राइट, यू हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट एग्जांपल, ओनली वन एग्जांपल इज देयर, यू हैव टू कंप्लीट दिस एग्जांपल, सो सिंपल, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 9. So 9 and 14, these two questions are based totally on this first example, example 1. So, aap ek baar isko dekh lena. If you know the meaning of adjacent angles, linear pair, you can solve this question very easily, no problem. So first exercise 5.1. Bas isko short mein karte jayenge, bahut easy hai. Kuch questions mein direct isi mein samjha dungi, kuch alag se samjha dungi. Find the complement of each of the following angles. You all know what is the meaning of complement angle. सबको मालूम है ना complement angles? Yes ma'am. हाँ complement. Yes ma'am. किसी angle का complement कैसे निकालते हैं? Ma'am 90 minus. Yes. ठीक है okay. तो 90 degree में से इन angles को minus कर देंगे, then you will get complement of each angle. Steps ध्यान से सुन लो. Solve तो करो. Steps कैसे लिखोगे? फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट है, तो आप फर्स्ट पार्ट को लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक सेकंड थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ मैं, आपको स्क्रीन अच्छे से दिख जाए, बस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 70 डिग्री, बस खत्म, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सबको समझ में आ गया स्टेप, जल्दी बोलो बेटा. अनुमेघा, यस मैम, फिर से बोलो, किसको डाउट था, अभी आवाज नहीं आ रही. मैम मैंने है ना डायरेक्टली लिख दिया है कि 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री. हाँ बट यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस आल्सो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, ये तो पता चले कि आपने 70 डिग्री फाइंड क्या किया. You have to write this. Yes, beta. Ma'am, मैंने तो diagram भी बना दिया है. हाँ तो ठीक है बेटा, diagram तो question तो बनाओगे. नहीं नहीं diagram नहीं बनाना आपको. 70 आप बनाना चाहो extra तो it's your choice. But it's not compulsory कि आपको 70 degree बनाना ही है. आपको सिर्फ numbers में लिखना है, बस ये लिखना. अब आपके पास time हो तो आप चाहो तो 70 degree बना दो. बट इट्स नॉट कंपल्सरी, ये जरूरत नहीं है, बस ये सेंटेंस इतना लिखना है. आगे सबको समझ में, जल्दी बोलो फास्ट. यस यस मैम. बट आप डायरेक्ट 90 माइनस 20 नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. जैसे ऊपर इस सेकंड पार्ट में लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल्स टू जो आंसर आए, ऐसे यहाँ पे लिख देना. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब जब आप सप्लीमेंट निकालोगे तो किससे माइनस करेंगे? 180. बस बाकी बिल्कुल वैसे ही लिखोगे. यस, तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट मुझे करना है, आप लिखोगे सप्लीमेंट, लिख लेना, ऑफ 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री, बस आंसर आ गया, खत्म, सिंपल. स्टेप्स देखते जाओ मेन, ठीक है? तो ये आपके स्टेप्स हो गए. नाउ कम टू थर्ड पार्ट, ये बहुत इजी है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे बता देती हूँ. थर्ड वाला ध्यान से देखो, इज स्क्रीन विजिबल क्लियरली? यस मैम. थर्ड वन इज आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा सप्लीमेंट्री. सो सिंपल, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इट मींस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इट मींस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब स्टेप्स बता देती हूँ आपको. सपोज फर्स्ट पार्ट है, अब फर्स्ट पार्ट में आप सबसे पहले निकालोगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू, आप लिखोगे यहाँ सम ऑफ एंगल्स 65. यस बेटा,
मैम लेकिन मैम ये तो पता ही चल रहा है कि मैम अगर किसी की डिजिट 90 डिग्री से ऊपर है तो मैम वो तो अंडरस्टूड है कि नहीं मैम, वो सप्लीमेंट है। हाँ बेटा मालूम है, लेकिन आप प्लस करके दिखाओगे ताकि डेफिनेशन को वो फुलफिल करे। मैं समझ रही हूँ क्या करे, तुझे लग रहा है कि अच्छा ये पास पास में 90 के आसपास है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, इसको डायरेक्ट लिख देंगे सप्लीमेंट्री, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अच्छा वो मैम, पूछ लिया, गुड, यू हैव टू शो सम ऑफ एंगल्स, यस बिल्कुल मैम, डायरेक्ट नहीं लिखना कि हाँ देख के तो लग रहा है कि 90 के आसपास है, ये तो देख के लग रहा है कि 90 से तो ग्रेटर ही होगा क्योंकि एक ही एंगल 90 से ग्रेटर है, बिल्कुल सही, बट स्टिल यू हैव टू शो सम ऑफ एंगल्स। यस ठीक मैम, है, तो अब आप यहाँ लिखोगे फर्स्ट पार्ट, जैसे मान लीजिए एक स्टेप बता देती हूँ, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप यहाँ आगे ध्यान से देखना क्या लिख रही हूँ मैं, सिंस सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल्स आर कॉम्प्ली सॉरी सप्लीमेंट्री। ये इसके स्टेप्स ध्यान से देख लो, रुको मैं मैम आप इसमें रिपीट कर सकती हैं मैम? यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, सुनो सुनो, यहाँ अलग से सॉल्व कर रही हूँ। पहले आप लिखोगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू, फर्स्ट एंगल इज 65 डिग्री, चेक करो क्या है, मैम 65 डिग्री प्लस 150 डिग्री। 115, ठीक है, दिस इक्वल्स टू आप लिख देना 180। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुन लो, हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हम आपको दे दें कंफ्यूज करने के लिए कि आपको ना तो 180 डिग्री सम मिलेगा, 90 डिग्री भी नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। मान लीजिए सपोज करो यहीं पहले लिख दिया आपको 125 दे दिया, सपोज आप जब आप इसको प्लस करोगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से प्लस करना, ये मैं सोच रहा कि 180 तो आएगा ही, प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ, 190 डिग्री। 190 डिग्री, तो आप 190 इक्वल्स मैम। टू 190। अब आगे क्या लिखोगे ध्यान से देखना, अब आगे लिखोगे सिंस सम ऑफ टू एंगल्स इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, किसका साइन है, इक्वल्स टू को कट कर दो, नॉट नॉट इक्वल्स टू, इक्वल। ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। अब देखा जाए तो हम 90 भी लिख सकते हैं क्योंकि 90 भी नहीं है ना 180 डिग्री है, तो आप इसको बल्कि एक काम और कर सकते हो, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री दोनों पूछा, तो इसमें एक करेक्शन करते हैं, यहां मैं 180 डिग्री नहीं लिख रही, इसको सेंटेंस में लिखते हैं, कैसे देखना ध्यान से, सिंस सम ऑफ टू एंगल्स इज नीदर 90 डिग्री नॉर 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज नॉट सप्लीमेंट्री, या एंगल्स आर नीदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर सप्लीमेंट्री। सबको समझ में आ गया अच्छे से कैसे लिखना है, क्लियर? यस मैम, यस बट मैम, अब जो हमारा ये क्वेश्चन था यहाँ पे उसको मैंने क्रॉस कर दिया, 115 कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, 180 डिग्री लिख दिया। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस सम ऑफ टू एंगल्स या एंगल्स है इज 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्लियर? ठीक है, तो यस मैम, आपके थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, या तो सम 90 होगा तो लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, सम इज 180 डिग्री यू विल राइट सप्लीमेंट्री, नीदर 90 डिग्री नॉर 180 डिग्री, तो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री ना सप्लीमेंट्री। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, बस इसका तो डायरेक्ट आंसर लिखना 45 डिग्री। यस यस यस, कौन सा एंगल है 45 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखोगे कैसे ये बता दो, लिखोगे कैसे यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना बेटा, माइक अपना म्यूट कर लो, किसी का दोनों तो इको आ रहा है मेरा। यस मैम, इको बहुत हो रहा है। हाँ वो किसी ने अनम्यूट किया, म्यूट करो सब लोग।
तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आंसर इक्वल्स टू 45 डिग्री बिकॉज, इसका रीजन भी दे देने, एसेंस क्या लिखोगे, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, बस इतना लिख देना। पहले लिख देंगे आंसर इज 45 डिग्री बिकॉज 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट 90 डिग्री, हाँ आंसर लिख देना, आंसर इज 90 डिग्री। म्यूट बेटा म्यूट एज 90 डिग्री, मैम सबका म्यूट है, हाँ तो अब म्यूट है तब नहीं आएगा देखना, अब सही है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्लियर, जल्दी बोलो। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, हाँ बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बल्कि वो ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन आता है सिर्फ वन मार्क का, तो वन मार्क में यदि आप इतना भी रीजन दे दो तो करेक्ट है, बट आप यदि एक्स ले लो, चूंकि आपको लीनियर इक्वेशन का तो कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, तो अब आप यदि इस क्वेश्चन को एक्स से भी करते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप सेवेंथ क्लास में हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, एक सेकंड बेटा इसको डिलीट कर दो पहले, ओके। यहां से देखो, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब आप लिखेंगे कि आपका एंगल कौन सा है, एक्स, लेट अस सपोज दैट एंगल इक्वल्स टू एक्स, स्टेप्स देखते जाना, लेट अस सपोज, अच्छा रुको इसको मैं इसमें बता देती हूँ, वेट, वही क्वेश्चन, एक्स, लेट अस सपोज दैट एंगल इक्वल्स टू एक्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में इक्वल है, यदि हमने एंगल को एक्स लिया है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्स, इतना समझ आ रहा है, क्लियर। इसको भी वैसे दो मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ जो आपको इजी लगे। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट वी विल सपोज, एम आई ऑडिबल, यस मैम, अब आपको मालूम है कि कोई भी एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम कितना होता है, एंगल एंड सम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना सम होता है, 90 डिग्री। जब भी इक्वेशन फ्रेम करते हैं, ओके रुको रुको बेटा, बैटरी इज रनिंग लो, वेट बेटा, वेट वेट वेट, देखो बेटा, तो जब भी इक्वेशन फ्रेम करते हैं यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले आपको बता दिया, जब सिंपल इक्वेशन मैंने चैप्टर कराया था, जब भी इक्वेशन फ्रेम करना यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हो जाएगा डायरेक्ट लिख दो, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी बताए सबको मालूम है, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन टू, दैट इज 45 डिग्री, इसका मतलब एंगल भी 45 है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी 45। वैसे देखा जाए तो ये मेथड करो तो ज्यादा बेटर, क्लियर हो गया सबको, यस मैम, यस मैम। तो एक तो हो गया, मैंने डायरेक्ट बता दिया, बट यदि वन मार्क का क्वेश्चन आता है, वन मार्क, तो जैसे मैंने पहले बताया था वैसे कर लो, डायरेक्ट लिख देना और उसका रीजन दे देना। यदि यही क्वेश्चन टू मार्क्स का मैं आपको दे देती हूँ
तो 2 मार्क्स में ये पूरा प्रॉपर स्टेप लिख देना। फिलहाल कॉपी में चलो 2 मार्क्स के हिसाब से कर दो, 2 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। इसी का सेकंड मेथड बताते हैं आपको, इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड ऐसे कर सकते हैं, लेट अस सपोज दैट एन एंगल इक्वल्स टू एक्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, किसी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते, 90 डिग्री से माइनस करके, 90 डिग्री माइनस एक्स। समझ आ गया? क्लियर? क्लियर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू विल राइट एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स। एंगल किसकी इक्वल होगी, अपने कॉम्प्लीमेंट के। अब ये जो माइनस एक्स है इस साइड शिफ्ट करेंगे, जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस माइनस एक्स विल बी प्लस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, इस साइड आके साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 2x इज 90, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका थर्ड मेथड। तो जो आपका सेकंड मेथड और जो थर्ड मेथड बताया, ये 2 मार्क्स के हिसाब से बेस्ट है, तो आप यही मेथड करना। क्लियर मैम? ये वाला समझ नहीं आया, पहले वाला आ गया था? यस मैम। सेकंड मेथड आ गया? सेकंड मेथड, यस मैम। दोनों में डिफरेंस देखो, कुछ भी एक जैसा बेटा, आप थोड़ा उसका लैंग्वेज पे जाओ। सेकेंड मेथड मैंने ये कराया था कि एंगल को ले लिया एक्स, उसके कॉम्प्लीमेंट को भी एक्स ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो मैंने दोनों को एक्स एक्स ले लिया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट को यदि हम प्लस करते हैं तो सम विल बी 90 डिग्री, तो एक्स प्लस एक्स लिख दिया मैंने 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये स्टेप सेम आ गए, हम लोग यहाँ पहुंच गए, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका एक मेथड। अब इसमें मैंने क्या किया, एंगल को तो ले लिया एक्स, और किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस कर देते हैं, तो मैंने 90 डिग्री में से इस एंगल को माइनस किया, तो ये जो मिल गया 90 माइनस एक्स, व्हाट इज 90 माइनस एक्स, इट इज अ जल्दी बोलो, इट इज अ क्या, ये 90 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन में है कि कोई भी एंगल किसके इक्वल है, अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, रीड करो ध्यान से, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, जैसे इक्वल कर दिया सॉल्व किया तो ये आंसर मिल गया। वैसे देखा जाए तो आप ये वाला मेथड कर लो, सबसे बड़ी नो प्रॉब्लम, एक्स प्लस एक्स 92x इक्वल्स टू, ये सब कर लो। वैसे तीनों मेथड बता दिए जो आपको इजी लगे, बट 2 मार्क्स के हिसाब से यही दोनों में से एक मेथड करना। क्लियर? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम मेथड है, सिर्फ 90 की जगह 180 डिग्री ले लेंगे, यू हैव टू डू, आप खुद करोगे। नाउ कम टू सिक्स्थ, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज, सम ऑफ टू एंगल्स इज डैश 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। अच्छा एक चीज मैं आपको इसके पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं, जरा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमने 2 चीज बताया था आपको, एक तो बताया था इज दिस कलर ओके, सही है? नो, सही नहीं है, ओके लेट मी चेंज, चेंज करो, वेट वेट वेट, मैं येलो कलर, हाँ येलो येलो कर देते हैं, चलो ठीक है। करेक्ट है, ठीक है, देखो। यस मैम। चलो हाँ, तो एक मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स,
एक मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर, ठीक है, आर लीनियर पेयर। अब दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी टू एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, इन लीनियर पेयर आल्सो सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। ये तो दोनों की सिमिलरिटी, या आपने साइंस में सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी करते हो ना साइंस में आप लोग? यस मैम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द डिससिमिलरिटी ऑफ दीज टू, सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 डिग्री होता है दो एंगल्स का, ये तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई, डिससिमिलरिटी क्या है, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? राइट वाई चैट बॉक्स, राइट, लेट मी चेक कितने लोगों को मालूम है। व्योम, व्योम हैज रिटन वाई, सौम्या हैज रिटन वाई, पंक्ति यू ऑल्सो नो व्हाट इज द डिसिमिलरिटी, पंक्ति पंक्ति ने अभी का वाई है कि पहले का वाई है? अच्छा पंक्ति ने, मैम पहले वाला वाई है। अच्छा अच्छा ओके, और किसको डिसिमिलरिटी मालूम है जल्दी बोलो। How many has written Soumya and Vyom? Two have written. और सोचो डिसिमिलरिटी क्या है? आप फिगर, अच्छा मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, लीनियर पेयर कैसे बनाया था याद रखो, किस टाइप को मैंने लीनियर पेयर आपको समझाया था, एंड सेकेंड वन सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको बताया सम ऑफ एनी टू एंगल्स। आप दिमाग लगाओ। अच्छा अनुमेघा ने वाई लिखा, पंक्ति योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ओनली टू थ्री हैव रिटन। ओके नाउ फर्स्ट चांस मैं किसको दे दूं, चलो अनुमेघ, सौम्या अनम्यूट। यस मैम। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बेटा। मैम जो लीनियर पेयर्स होते हैं उसमें वो एक ही रेट पे बनते हैं, जो जो वो 180 का सम होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स का सम 180 होता है। फिर से रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। जो लीनियर पेयर्स होते हैं वो एक ही रेट पे बने हुए होते हैं, और उन जो एक ही रेट पे बने हुए होते हैं उनको बना होता है 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है, 90% करेक्ट है, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, करीब करीब काफी, देखो ध्यान से 90% से सही बताया, बट बहुत क्लियर नहीं बता पाई, बट ठीक है उसको कॉन्सेप्ट मालूम है, गुड गुड। देखो लीनियर, अच्छा मैं एक फिगर बनाती फिर अपने आप बताओ आप कितने लोग बता पाते हैं, कुछ बोल नहीं रही सिर्फ फिगर बना रही हूँ। Now, this is second case and this is first case. First case, linear pair. Second case, supplementary angles. अब कितने लोग explain कर सकते हैं? Now write why in chat box. अच्छा चलो अनुमेघा, हाँ बता बेटा अनुमेघा। मैम सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है जब हम एक एंगल से दूसरे एंगल को प्लस करते हैं तो फिर हमें 180 मिलता है, पर लीनियर पेयर्स जो होते हैं वो पहले से ऐसे होते हैं जो हमें उसे जॉइंट नहीं करना पड़ता, वो पहले से 180 डिग्री में होते हैं। देखो तुम फिगर मैम क्योंकि वो तो मैम मैं बताऊं एंगल्स आर ड्रॉन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हो लेकिन फुली करेक्ट नहीं है अभी। और बताओ मैम, मैं जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उसकी कॉमन वो दोनों, मैम लीनियर पेयर में जो एडजेसेंट एंगल्स रहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट नहीं रहते। हाँ यस, ये मेन डिफरेंस है, देखो मेन ये संदेश ने भी ट्राई किया है, करीब करीब ठीक किया है, व्योम का भी तो बिल्कुल सही है, अनुमेघा को फिगर से काफी कुछ समझ गए लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। मेन ये है कि जो लीनियर पेयर होते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, लीनियर पेयर सेम वर्टेक्स पे बनते हैं, एक ही वर्टेक्स होगा। अब एक ही वर्टेक्स होगा इसका मतलब लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल्स,
क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, एडजेसेंट एंगल्स की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि टू एंगल्स जो होंगे एडजेसेंट तभी होंगे इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी दोनों एंगल एक ही वर्टेक्स पे बनेंगे, दे हैव अ कॉमन आर्म। तो अब जो लीनियर पेयर होते हैं, पहली बात तो ये सेम वर्टेक्स पे बनते हैं। अभी सेम वर्टेक्स से बनेंगे तो आप ये ना लिख करके दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेम वर्टेक्स, ये लैंग्वेज सही नहीं है। आप सिंपली लिखोगे लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल्स, और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये डिफरेंट वर्टेक्स पे बन रहे हैं। 60 डिग्री का ये वर्टेक्स है, देखो कलर चेंज कर दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। 60 डिग्री का वर्टेक्स ये हो गया और 120 डिग्री का वर्टेक्स ये है, यानी दोनों का डिफरेंट वर्टेक्स है, डिफरेंट वर्टाइसेस हैं। तो जब सेम वर्टेक्स पे बनेंगे दो 180 डिग्री वाले एंगल तो लीनियर पेयर, और डिफरेंट वर्टेक्स पे बनेंगे तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल, वेयर एज म्यूट बेटा म्यूट करो, वेयर एज सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट, बस इतना सफिशियंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस लिख रही हूं मैं, लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, कोई बोलना मत अभी, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज लीनियर पेयर, विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? राइट इन चैट बॉक्स, राइट इन चैट बॉक्स मैम, राइट इन चैट बॉक्स इधर वन और टू, जल्दी फटाफट फास्ट, वन वन वन। अब जो बोलेगे उससे आंसर भी पूछूंगी मैं। आयान यू हैव टू राइट वन टू, वन लक्ष शर्मा यू हैव टू राइट वन टू, इट्स आंसर इज नॉट मे आई शर्मा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सबसे पहले आयान ने बोला, ओके आयान अनम्यूट बेटा, आयान आयान सम नेटवर्क इशू, वाई फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट क्यों करेक्ट है बोलो, फर्स्ट क्यों करेक्ट है बोलो। अच्छा लग वेट, हाँ आयान रिपीट बेटा, नॉट योर वॉइस इज नॉट क्लियर, हाँ लग बोलो बेटा। मैम फर्स्ट वन इसलिए करेक्ट है क्योंकि मैम लीनियर पेयर पे मैम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनी रहती है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है मैम 180 डिग्री, क्योंकि मैम अगर हम उसमें एंगल बनाएंगे और उन दोनों का सम भी लेंगे तो मैम 180 डिग्री आना ही आना है। ठीक है, एंड सेकंड वन, व्हाई सेकंड वन इज नॉट करेक्ट, सेकंड वन क्यों है मैम? बिकॉज़ एंगल जरूरी नहीं होता है कि स्ट्रेट लाइन ही ले मैम, हम लोगों ने अलग अलग भी ले सकते हैं, इस कॉमन वर्टेक्स लेना जरूरी थोड़े ना है उसमें। यस, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो डिफरेंट वर्टाइसेस में भी बन सकते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि यस। चलो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, व्हेनेवर सेवेंथ क्वेश्चन ध्यान देखना। अच्छा हाँ, मेन क्वेश्चन तभी बताया ही नहीं, मैं तो कुछ और बताने लगी थी। आप सिक्स क्वेश्चन क्या है वो देखो ध्यान से, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। इफ एंगल वन इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल टू सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, सो सिंपल।
यदि वन को डिक्रीज कर देंगे तो टू में क्या चेंजेस आएंगे, जल्दी बोलो। बस बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो वन ऐसा है, अब यदि वन को हमें करना है डिक्रीज, देखते जाना, तो ये डिक्रीज का मतलब जो ये वाली रे है, दिस रे, ये दोनों रेज तो चेंज होगी नहीं, कि स्ट्रेट लाइन तो रखना ही है, इस रे में चेंज लाना। यदि वन को मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दिया, ध्यान से देखना, ये वाली जो रे थी इस रे को क्रॉस करके ऐसे बना दिया, तो अभी एंगल वन इतना था यहां से यहां तक, अब एंगल वन सिर्फ कितना रह जाएगा, नाउ एंगल वन विल बी ओनली दिस वन। इसका मतलब इतने से एंगल वन यहां पर पहुंच गया, तो वन को डिक्रीज किया, अब टू में चेंजेस देखो, टू फिलहाल अभी इतना था, जैसी रेड लाइन आ जाएगी तो आपका टू इतना हो गया, इसका मतलब 90 डिग्री हो गया और वन डिक्रीज हो गया। यदि वन को डिक्रीज करेंगे तो टू इंक्रीज होगा, और टू को इंक्रीज करेंगे तो वन डिक्रीज, कुल मिला के उल्टा चलेगा। आगे सबको समझ में, आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो इसमें, एग्जाम्पल कैसे लोगे, देखो एक काम करो, आप लोग फिगर से तो मत समझाना, यू टेक वन एग्जाम्पल, यहाँ लिख देना फॉर एग्जाम्पल, आप लिख देना फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल वन इक्वल्स टू, या फिर चलो छोड़ो, इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दो केसेस लेना पड़ेगा। पहले आप लोगे एंगल वन, मान लो पहले था 120 डिग्री, एंगल टू सपोज करो 60 है, तो दोनों का सम 180 है। अब यदि हम डिक्रीज करेंगे तो नाउ लेट अस सपोज दैट एंगल वन मैंने 100, तो एंगल टू को कितना लेना पड़ेगा 80, ताकि दोनों का सम 180। बस समझ लो, इसको एक्सप्लेन मत करना, ये आएगा अभी तो वन मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहले देखो फर्स्ट केस में ये था, अब वन को मैंने डिक्रीज कर दिया, 100 कर दिया, अब सम 180 लाना, तो 60 को 80 करना पड़ेगा, यानी एंगल टू को इंक्रीज कर दिया और एंगल वन को डिक्रीज कर दिया। अब मान लो एंगल वन को इंक्रीज कर दिया मैंने, एंगल वन को 130 डिग्री कर दिया, तो एंगल टू को डिक्रीज करना पड़ेगा 50 डिग्री, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा तो फर्स्ट डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट है, कुल मिला सिंपल। यस मैम, ये तो बहुत इजी है, ज्यादा प्रैक्टिकल। नाउ कम टू सेवंथ क्वेश्चन, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, इसमें एग्जांपल लेना, यदि दो एक्यूट एंगल होंगे तो क्या उनका सम सप्लीमेंट्री आएगा, जल्दी बोलो फास्ट। नो नो नहीं यार, इसमें एक एक एग्जांपल आपको लेना, फर्स्ट का आंसर लिखोगे नो एज, एक एग्जांपल दे दो, कोई भी दो एक्यूट एंगल ले लेते हैं, चलो 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री से ग्रेटर 90 डिग्री से लेस आपको लेना है एक्यूट एंगल्स, तो मैंने जस्ट 90 के पहले वाला एंगल ले लिया, 89 प्लस 89 कितना सम हो जाएगा, 170, जल्दी बोलो 178, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर नॉट सप्लीमेंट्री। सेकंड केस क्या चेक करो, ऑब्ट्यूस, यस लेट मी चेक, यस मैम, आप ऑब्ट्यूस में लिख देना नो एस, इसमें भी एग्जांपल ले लो, अब ऑब्ट्यूस के लिए 90 से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस, अब मान लो मैंने 160 ले लिया और एक मैंने 91 ले लिया, दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा, सो नॉट सप्लीमेंट्री, और थर्ड में 90 डिग्री 90 प्लस 90 180, सिंपल, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, यस, तो थर्ड वन इज यस और फर्स्ट और सेकंड नो, सिंपल, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, एट्थ वन इज An angle is greater than 45, छोड़ो ये आपके लिए क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी है। अच्छा, आपका टाइम भी कितना हो गया, 3:40, बस ठीक है बेटा, चलो तो आप 8th क्वेश्चन खुद करोगे, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, तो आज आप कॉपी में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लेना, एंड दिस फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1 एंड क्वेश्चन टिल 8, इतना आपको करना, बल्कि आप 9th भी कर लेना, कर सकते हो, बहुत इजी है, यू कैन डू 9th वन आल्सो, 9th भी कर लेना,
9th तक आपका आज आपका होमवर्क टिल दिस, ये होमवर्क है, क्लियर? यस मैम। चलो करना है, करना है। यस बेटा, मैम जो एग्जाम्पल है वो रफ कॉपी में ही करना है ना? यस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रफ कॉपी में, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सायरा बेटा, लीव वन बाय वन। सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम।